यहाँ पर आपको बड़ा सारा बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे लिखा हुआ है खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा और सुंदर नज़ारा है इधर। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ से बसें वगैरह आपको मिल जाएगी। फिर आप आगे चलोगे तो यहाँ पे जूते चप्पल बैग रख सकते हो, और यहाँ पे आपको एक टोकन दिया जाएगा, वो टोकन आपको साथ में रखना बहुत ही ज़रूरी है। श्री श्याम दिल्ली धाम, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में हम देखते हैं आगे जाके कि बहुत ही अच्छी लाइनें लगी है जिसमें आप बाबा के दर्शन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो फिर चलो हम शुरू करते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में यहाँ पे निशान बनाए हुए हैं 2021 किलो का, यह पैरों का निशान है। आपको दिखाता हूँ आगे चल के, ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा और सुंदर पैरों के निशान है। यहाँ पे आगे चलोगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको, यदि यहाँ पे भीड़ रहती है तो आपको 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे। यहाँ पे आपके बच्चे होते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो और खिलौने ले सकते हो अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो। ये आपको फूलों से भरा हुआ बाबा का प्रसाद मिलेगा आपको, जो आप बाबा को चढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप रेस्टोरेंट है, खाना खा सकते हो, प्रसाद ले सकते हो, अच्छी चायें हैं इधर और आप खा सकते हो, अच्छा भोजन मिलेगा इधर। तो हम लाइन में देख सकते हो कितनी भीड़ है इधर। ये प्रसाद के रूप में आप प्रसाद ले सकते हो, छोटे छोटे पैकेट बनाए हुए प्रसाद के। तो आप प्रसाद ले लो यहाँ से और फिर आगे चलते हैं तब आप भीड़ देख सकते हो कितनी लगी हुई है इधर। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है उससे थोड़ा छोटा है ये, इसलिए भीड़ ज़्यादा लगी रहती है इधर। तो हम आगे चल के आप देखते हो तो आपको प्रवेश द्वार दिखाई देगा, और यहाँ पे आप मनोकामना पूरी करने के लिए आप इधर नाल बांध सकते हो, नारियल बांध सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी पर्चियाँ बंधी हुई है मनोकामना पूरी करने के लिए। आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप यहाँ से पर्चियाँ खोल सकते हो। यहाँ से तो प्रवेश द्वार ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद में आप देख सकते हो कि प्रवेश द्वार के सामने आपको बाबा दिखाई देंगे, जो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो हमने शॉर्टकट कट लिया और हम बाबा के पास में पहुंच गए, और हम आपको बाबा के दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा और सुंदर नज़ारा है, मेरा तो भाई दिल खुश हो गया देख के। तो आप देख सकते हो बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, और यहाँ पे सॉन्ग चलते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगता है दर्शन के लिए, लेकिन आपको ऐसा है कि सुकून मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सारी परछाइयाँ दिखाई देंगे आपको, खाटू श्याम जी का मंदिर है इधर। तो यहाँ पे बहुत सारे भगत आए हुए हैं। तो हमने भी सोचा हमारी भी वीडियो कुछ बना लेते हैं, तो थोड़ा सा हमने भी अपना शूट किया, पसीने आ रहे थे और हमने शूट किया। बाबा के दर्शन करने बहुत लोग आए हुए थे, देख सकते हो आप, और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा। और ये बाबा के दर्शन आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं बाबा, सावली सेट कीजिए। जय श्री श्याम। भगत आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं इधर। हम थक चुके थे, इधर बैठने की बहुत सारी व्यवस्था है जहाँ पे आप बाबा के सामने बैठ के इंजॉय कर सकते हो और दर्शन कर सकते हो। हमने थोड़ा बहुत शूट किया उधर, इंस्टाग्राम के वीडियो शॉर्ट वीडियो शूट किया था, और हम जाके देखे तो बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा था। तो हम भी
कम नहीं थे, हमने भी बाबा के साथ में बहुत सारी वीडियो बनाई थी। बाबा के मंगन में मस्त थे हम। मकान बना सकते हो इधर, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी, ज़रूर होगी एक ना एक दिन। फिर हम आगे जाते हैं। आगे जाके मैं देखता हूँ यहाँ पे प्लेन दिखाई देती है मेरे को। मैंने सोचा यहाँ पे प्लेन भी आती है, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे प्लेन तो रेस्टोरेंट के लिए लाया गया है। यहाँ पे प्लेन, यहाँ पे शिवलिंग है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा और सुंदर शिवलिंग लगा है मेरे को, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा के। यहाँ पे शीतल जल है, जो आप गर्मियों में ठंडा पानी पी सकते हो, आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही आपको खाने की जगह मिलेगी, बहुत सारा खाना मिलेगा आपको, जो चाहे वो आप खा सकते हो, लेकिन पैसे आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर सकते हो। गोवर्धन पर्वत आप देख सकते हो कितना सुंदर और अच्छा बनाया हुआ है, जैसे पहले देखा था मैंने वही जैसा ही मेरे को इधर देखने को मिला है। बहुत ही अच्छा नज़ारा था इधर, जैसे ऐसे लग रहा है कि हमारे सामने गोवर्धन पर्वत है। और इधर आप खाना खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। और ये बाबा के बाहर का नज़ारा है, ऐसा मंदिर का बाहर का नज़ारा दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे आप चाय भी पी सकते हो, ओनली 10 रुपये की। यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ कितनी है, इतनी भीड़ तो आपको मिलेगी। आप देख सकते हो बहुत लंबी लाइन लगी हुई रहती है। तो हम यही चाहता हूँ मैं कि आप जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करो बाबा के। जय श्री श्याम।